सुबह के बज चुके हैं 10:30 और अभी हम लोग एकदम रेडी, टिका विका लगाए हैं। अभी मैं बताता हूँ, आज संडे और आज हमारे घर पे मतलब मेरी मासी की लड़की की शादी है, तो 3 लड़की की शादी है। तो पिछले 2-3 दिन से हम इधर ही थे, ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर रहे थे। सो वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतीक। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज ये प्रॉपर शादी वाला दिन, तो मैंने सोचा आज ही व्लॉग करूँगा और आज ही आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसी कैसी रस्में हमारे में होती है। तो आज सुबह सुबह मामेरा भर रहे हैं। मामेरा क्या होता है कि जो मामा होते हैं लड़की के, मतलब लड़की या लड़का जिसकी भी शादी हो, जो दूल्हा दुल्हन, तो उसके जो मामा होते हैं वो मामेरा जो कुछ तोहफा या फिर गिफ्ट या फिर कुछ वो कुछ भी आप बोल सकते हो, मामेरा लेके जाते अपनी बहन के घर। तो अभी सब वही प्रोसीजर चल रहा है, तो आप भी थोड़ा बहुत देखिए, मज़ा आएगा। तो ऐसे पूरा सिस्टम होता है और ये हमारा पूरा बड़ा बड़ा फैमिली है, सब कजिन भाई लोग मिलके। મોકો તો ક્યારે મળે, મને ભાણો સા પીડો તો એમાં એનો મોટો ભાઈ આરે હોય બરાબર છે। अभी इसमें घी डालेंगे थोड़ा, ये रिवाज होता है हमारे में यहाँ पर। देखो सब मेहमान को घी वाली चाय पिलाई जाती है। और डॉक्टर लालजी साहब, लालजी भाई, बहुत सारा लालजी भाई। दोपहर के बज चुके हैं 12:10 और लंच का टाइम हो चुका है। अभी सब कजिन लोग के साथ थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे। ये हमारा डॉक्टर साहब है, अगर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन लिखाना है। ये हमारे इंजीनियर साहब है, हमारे में सब इतने पढ़ चुके ना जिसकी बात ही मत पूछो। अभी एक और मेरे मामा का लड़का है जो नीट कर रहा है, अभी भी उससे मिलवाता अगर होता तो, बट कोई આપણે નીચે બેહીને જમવું છે કે ઉપર બેહીને? હા, હમ દેશી લોગ હૈ, હમકો ઉપર ઉપર નહીં બેઠના હોતા હૈ। ઓર યે મેરા ખૂંખાર મામા હૈ, ક્યા બોલ રહે હો? ક્યા? હા, 3 hours later शाम के बज चुके 5 और हम सब लोग पहन के मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करके रेडी हो चुके हैं। थोड़ा रास्ता वास्ता क्रॉस कर लेते हैं, गाड़ी आ रही है एकदम फुल फ्लेज में। और अभी मैं जो मेरे मामा के लड़के की बात कर रहा था उससे मिलवाता हूँ आप लोगों को। वो पता नहीं मेरे को देख के कहीं और ही भाग रहा है। ओ धार्मिक भाई, कैसे हो? इधर आओ, काम है थोड़ा आपका। वो एक अलग ही इंस्पिरेशन है सबके लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए। बट उसका स्टोरी लंबा है, मैं आपको बता नहीं सकता थोड़े फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, वरना मैं आप लोगों को बताता। और अभी थोड़ी देर में जान आने वाली है, मतलब वहां से तो वरघड़ा लेके निकल जाएंगे। तो इधर जहां मंडप वंडप लगा है वो इधर है, उधर भी जाते हैं, आपको सब दिखाते हैं मस्त। ये वही ढोली है जिनको सुबह में ढोल मरवा मरवा के थकवा दिया था, फिर भी नोट नहीं नीचे पड़ी थी। और ये देखो सेव द डेट, 3 बहनों की शादी है, अंकिता बहन, रमीला बहन, आशा बहन, और 3 हमारे जीजू का नाम है। और यहाँ पर आगमन के लिए हमारे दोनों भाई लोग खड़े हैं मस्त, पर थोड़ा बिजी है, उनसे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। और करना तो पड़ता है ना भाई, ऐसे पेट्रोल कितना महंगा है नहीं? तो अभी बज चुके शाम के 6:30, मीट माई भाणा आयुष भाई और ध्रुविल भाई। और अभी क्या है, जान वहाँ से निकल चुकी है, अब यहाँ पर हम सब इधर लाइन लगा के सब बारातियों का स्वागत करेंगे, इसलिए हम सब अभी लाइन लगा के खड़े रहेंगे। और पूरा लाइटिंग वाइटिंग एक नंबर हो रहा है और पब्लिक का बात ही मत पूछो, ऑलमोस्ट 1500-2000 इतनी पब्लिक होने वाली है। बट कोई बात नहीं, सब हो जाएगा मैनेज होपफुली।
और मैं जितना भी आपको विजुअल दिखा पाऊंगा इतना दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज क्या सब फैमिली वाले हैं तो सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं, व्लॉग करते हैं तो सबको लगता है क्या कर रहा है, इसके लिए थोड़ा कम व्लॉग करें। अभी सब रस्में चल रही है अलग अलग, तो ये क्या ये बड़े बड़े फोटोग्राफर है तो हमारा तो नंबर आने से ही रहा और पब्लिक ज्यादा, इसलिए मैं कुछ ज्यादा आगे जाके शूट नहीं कर रहा हूँ, बट अभी जितना दिख रहा है उतना देख लो। रात के बज चुके हैं 4 और मेरे जरा निपटा के मैं वापस पहुंच गया हूँ आनंद। पिछले 3-4 घंटे से कंटिन्यूस ड्राइव कर रहा था क्योंकि अभी मेरे को सुबह 9:30 एग्जाम है, प्रैक्टिकल का पेपर 2 बाकी है, तो एक पेपर आज है एक पेपर कल है, आज मंडे हो चुका है ऑलमोस्ट, और सारी वारी सब निपट गया था। लास्ट में मेरे फ़ोन में ब्लॉग क्या बोलते हैं चार्ज बिल्कुल नहीं था, उसके चक्कर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया और बाद में सीधा निकल गया मैं आनंद के लिए और ऑलमोस्ट पहुंच गया 4 बजे आनंद भी। तो चलिए इसी के साथ ये वाला व्लॉग का एंड करता है, होप ये वाला व्लॉग आपको बहुत पसंद आए, अगर आपको पसंद आए आपके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है ये सब बनाने में, आप देख पा रहे हो मेरे मुँह पर, अभी सोने का तो कोई चांस ही नहीं है, जाऊँगा पढ़ने बैठूँगा पढ़ूँगा थोड़ा बहुत और 9:30 बजे सीधा पेपर लिखने के लिए चला जाऊँगा और 9:30 से 12:30 3 घंटे उधर भी देने हैं, अभी देखते हैं कैसे सब मैनेज होता है, थोड़ा सा टफ लग रहा है मेरे को क्योंकि बहुत थका हुआ, बट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद जय भारत, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।